सूबे में गांधी और गोडसे पर सियासत गर्म है। सरकार हिंदू महासभा के खिलाफ एक्शन मूड पर आ गई है, लिहाजा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाने वाले हिंदू महासभा के पदाधिकारी नरेश बाथम और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आज 2:08 पे रविंद्र चौहान जो शिकायत करता है उनकी रिपोर्ट पे कोतवाली लश्कर ग्वालियर में हमने हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी हैं नरेश बाथम और उसके साथियों के विरुद्ध 153 IPC का मामला कायम किया है। रविंद्र चौहान ने लिखा है अपने आवेदन में कि ये जो हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बांटे गए पर्चों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि राष्ट्र का विभाजन करने वाले का वध करने वाले हुतात्मा श्री नाथुराम गोडसे और राष्ट्रपिता को अपमानजनक शब्द कहने से जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी भावनाएं आत हुई हैं, लोगों में क्षोभ पैदा हुआ है और समुदाय में एनिमिटी पैदा हुई है और इसमें लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, जिस पर से हमने ये मामला कायम किया है। हिंदू महासभा के जो पदाधिकारी नरेश बाथम हैं और उसके अन्य साथी हैं, जो जो भी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, वीडियो फुटेज में आएगा, फोटोग्राफ में होगा और जो गवाहों के बयानों से आइडेंटिफाई होंगे उन सभी को हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने गिरफ्तार करने के लिए पार्टी भेजी है और इसमें हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं।